गाइस, कल मैंने एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन फिजिकल डेट को लेकर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बच्चों को बताया था कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल मार्च के आखिरी सप्ताह से स्टार्ट हो सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद बच्चों ने कमेंट्स किया, काफ़ी निगेटिव कॉमेंट्स आए, हमको काफ़ी बुरा लगा। एक तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ऐसे वीडियो जल्दी मैं बनाता नहीं हूँ। जब आप लोग सवाल करते हैं तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो जब आप हमसे सवाल पूछते हैं तो भरोसा भी कीजिए हमारे ऊपर। आप लोग भरोसा करते नहीं हैं, निगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं, गलत सलत बकते हैं हमको। बड़ा मैं कल अजीब लगा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऐसे वीडियो जल्दी बनाता नहीं हूँ। जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे, आप लोग खुद पूछते हैं हमसे, जब मैं उसका जवाब देता हूँ तब आप लोग इतने निगेटिव कॉमेंट्स करते हैं कि हमको खुद बुरा लगता है। तो बात पे भरोसा करना सीखिए आप लोग। जो बंदा आपको कोई बात बता रहा है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। मैं पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, और कितने व्यूज मेरे में आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 700 व्यूज उस वीडियो पे आए, और 700 व्यूज में हमको क्या मिल जाएगा, क्या लाखों रुपए हमको मिल जाएगा? मैं आप लोगों के आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल रहा हूं, ना मैं आपके मन के साथ खेल रहा हूं। जो हमको न्यूज प्राप्त होती है वही न्यूज मैं आप लोगों के सामने लाता हूं। एक भरोसा वाली भी बात होती है, कोई व्यक्ति आपको अगर कोई बात बता रहा है किसी भरोसे के ऊपर वह बता रहा होगा ना आपको, उसको किस कहीं से पता चला होगा तभी वो आप लोगों को बता रहा है। आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने वीडियो देखा, बस निगेटिव कमेंट्स करना शुरू। वीडियो में क्या बताया जा रहा है उसको, उस पर तो आप फॉलो करिए। मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए गाइस, 2021 में आपके एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे थे। एसएससी जीडी के आपके एग्जाम हुए थे नहीं हुए थे? अब आप बोलेंगे हाँ हुए थे। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फिजिकल जितने लेट हुए हैं, क्यों लेट हुए हैं, इसका कारण आपको पता है नहीं पता है? उसका कारण है एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे थे, वो भी भर्ती आयोग को देखनी है। और ये भी आपको पता होगा कि कोविड का प्रकोप काफी कितनी तेजी से था भारत में, ये भी आपको पता होगा, और कितने लोग मर गए हैं। क्या आपके उस टाइम के आप फिजिकल कैसे हो सकते थे, आप ही बताइए, कैसे हो सकते थे आपके फिजिकल? जब आपकी भर्ती निकली है तो फिजिकल भी आपके होंगे, ये मान के चलिए आप लोग। और थोड़ा सा विश्वास भी करिए हमारे ऊपर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो फिजिकल है आपके मार्च के आखिरी सप्ताह से स्टार्ट हो सकते हैं। अगर नहीं स्टार्ट होते, मैं फिर से पता करूंगा आयोग की तरफ से कि फिजिकल होने में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है। मेरा काम आपके आत्मविश्वास से खेलना नहीं है, मेरा काम है आपके विश्वास को पाना, आपके प्यार को पाना। मैं झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूं, जैसे कोई भी जैसे न्यूज हमको पता चलती है वही न्यूज मैं आपके सामने शेयर करता हूं। मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं, बिलीव कीजिए आप लोग। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल एग्जाम डेट फरवरी टू मार्च 2022 टेंटेटिव, आप लोग खुद देख सकते हैं। एडमिट कार्ड रिलीज डेट वन वीक बिफोर द एग्जाम डेट, आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल जो है आपके फरवरी मार्च 2022 से स्टार्ट हो सकते हैं टेंटेटिव, आप खुद देख सकते हैं। जो हमको न्यूज मिलती है वही न्यूज मैं आपको देता हूं। आगे आपकी मर्जी है कि आप बिलीव हमारे ऊपर करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन प्लीज हाथ जोड़कर मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके सामने कि आप लोग गंदे कमेंट्स मत कीजिए आप लोग, क्योंकि सिर्फ आप वीडियो नहीं देखते हैं, और भी बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं, जो हम जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप ट्रस्ट नहीं करते, आप वीडियो मत देखिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ना मैं आपसे रुपया लेता हूं ना पैसा लेता हूं, ठीक है? आप वीडियो मत देखिए, आप लोग देखेंगे तो अच्छी बात, हम नहीं देखेंगे कोई बात नहीं। जो बच्चे हमारे पास ट्रस्ट करते हैं, वो कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको कैसा लगता होगा ये मैं देख रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। तो निगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप हमारे पर ट्रस्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जाहिर सी बात है, मत विश्वास करिए, लेकिन कमेंट्स निगेटिव कमेंट्स मत करिए आप लोग, ठीक है? यूट्यूब पे गिने चुने कुछ चैनल हैं, और एक चैनल तो ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज डालता है, और उसके वीडियोज पर व्यूज 20-20 हजार व्यूज आते हैं, मैंने कॉमेंट्स भी पढ़े हैं, उसके वीडियो में निगेटिव कमेंट्स नहीं होते हैं। अगर वो बंदा डालता है तो आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, अगर मैं वीडियो डाल देता हूं तो आप लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं, ऐसा क्यों, ये दुर्व्यवहार क्यों? मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक चैनल है मेरी नजर में, लेकिन उस चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अब फैसला आप कीजिए कि वो सही है या मैं सही हूं। मैं तो कभी कदार वीडियो डालता हूं, जो आप लोग पूछते हैं खुद कि फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे, तभी मैं वीडियो बनाता हूं। वीडियो बनाने के बाद आप ऐसे कमेंट्स करेंगे? अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो मन से ट्रस्ट कीजिए,
आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर ना अच्छा लगे तो आप मत देखिए। तो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन फिजिकल की तैयारी कैसे करें, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी मैं आपको दूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं फिजिकल के बारे में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सबसे पहले आपको शारीरिक मानक परीक्षण पीएचटी पास करनी होगी, फिर इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा पीडी पास करनी होगी, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिर इसके बाद ट्रेड टेस्ट आपको पास करना होगा। तो चार चरणों से आपको गुजरना होगा, ठीक है। चार चरणों से गुजरने के बाद आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीटी से गुजरना होगा। तो इसमें देखिए, पीटी विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग आपको होना है, क्वालिफाई होना है, नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे इसमें। जैसे कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में जो रनिंग आपकी होगी मेल के लिए 4.8 किलोमीटर जो रेस है आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रेस जो है आपको 18 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी की, हाइट की बात करें तो हाइट जनरल ओबीसी और एससी की हाइट जो है 170, चेस्ट जो है आपका 80 से 85 होना जरूरी है, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स हैं, गोरखास, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जो कैंडिडेट्स हैं, बच्चे जो हैं उनकी जो हाइट है, एसटी वाले जो बच्चे हैं ट्रिपल एसटी, इनकी जो हाइट है 162.5 होनी जरूरी है। चेस्ट जो है 76 से 81 के बीच में होना जरूरी है। इसके बाद आपका सुर ट्रेवल्स एसटी कैंडिडेट्स बिलोंग टू दी स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन बच्चों की हाइट्स जो है 160 होनी जरूरी है और चेस्ट 76 से 81 के बीच में होना जरूरी है, ठीक, तभी आप फिजिकल में भाग ले पाएंगे और फिजिकल क्वालिफाई आप कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए हाइट जो है आपकी, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ हाइट के बारे में, तो एक बार और देख लीजिए आप लोग। जनरल एससी ओबीसी मेल के लिए हाइट 167.5, चेस्ट 78.83, फीमेल के लिए हाइट 157, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप लोग रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देख लीजिए, जैसे कि अपने आप को 10 से 15 मिनट तक वार्म अप करें, ग्राउंड एवं दौड़ के क्षेत्र का निरीक्षण करें, अपने आप को प्रथम पंक्ति में खड़े होने के लिए जगह बनाएं, दौड़ने के लिए फ्रंट लाइन में बाईं तरफ अपनी पोजीशन बनाएं, प्रथम ग्रुप में आने के लिए अपने विश्वास को अड़िग रखते हुए दौड़ के लिए पोजीशन बनाएं, बेसब्री से आदेश का इंतजार करें और चौकन्ना रहें, ऑर्डर मिलते ही अविलंब भाग लें, दौड़ते हुए अपने आप को ग्राउंड के प्रथम ट्रैक में बिल्कुल बाईं तरफ रखें, यह आपको ध्यान रखना है। दौड़ते समय ग्राउंड के कॉर्नर पर भी एक भी कदम बर्बाद मत करें आप लोग, दौड़ते समय अपने आप को चेस्ट अप रखें एवं विजेता महसूस करें, रेस करते समय ग्राउंड के चारों कॉर्नर पर अपने शरीर के संतुलन लेफ्ट साइड में बनाए रखें, किसी भी धावक को अपने से आगे निकलने का मौका ना दें, रेस करते समय ग्राउंड के प्रत्येक चक्कर की गणना करें, दौड़ते समय एक भी कदम खराब नहीं होने चाहिए, ना हताश होना चाहिए, जो कि आपके विजय का प्रतीक है, अनुशासन ही आपकी सफलता का राज है एवं हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लीजिए आप लोग, याद रखने योग्य जो बातें हैं आप लोगों के लिए। अपने मन में अपने आप को हमेशा विजेता माने, पहली बात ये। दौड़ते समय 400 मीटर ग्राउंड के चार चक्कर लगाने पड़ते हैं, यदि आप टर्निंग पर एक स्टेप खराब करते हैं तो एक राउंड में चार स्टेप खराब होते हैं, इस तरह से चार चक्कर में 16 कदमों का नुकसान होता है जो कि आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। प्रैक्टिस करते समय हमेशा पंजों पर दौड़ें और एक चक्कर में कितने कदम पड़ते हैं मन में गिनकर रखें, इसके बाद टाइम एवं पहले राउंड में कदमों की संख्या से तुलना करके प्रथम चक्कर का समय निकालें, इस तरह आप दूसरे तीसरे एवं चौथे चक्कर का समय निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आपको 1600 मीटर दौड़ने के लिए कितने कदम रखने पड़ेंगे कि 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही वो आपको पता चल जाएगा, इस तरह से अभ्यास करने से ही आपको सफलता मिलेगी और कदम आपके चूमेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ उन पर आप विशेष फोकस कीजिए, ध्यान रखें आप हमेशा दौड़ते समय अन्य धावकों से आगे रहकर उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि यदि आपको आगे वाले अभ्यर्थी को क्रॉस करना है तो आपको उसके दाहिने से ओवरटेक करना होगा, जिसके लिए आपको अतिरिक्त कदमों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक अगला प्रत्याशी आपको मौका नहीं देता तब तक आपको उसके पीछे या दाहिने दौड़ना पड़ेगा, अतः अपनी एनर्जी को अनावश्यक खर्च करने से बचें ताकि आप सफलता की मंजिल प्राप्त कर सकें। वेतन मान देख लीजिए आप लोग कि इसमें वेतन कितना मिलता है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वेतन कितना मिलेगा,
कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटनरी, आया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर करियर व वेटर। लेवल 3 की पोस्ट पे 21,700 से 69,100 रुपए एवं डीए राशन व धुलाई भत्ता न्यू पेंशन स्कीम के तहत अन्य भत्ते आपको दिए जाएंगे। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। फिजिकल जो है आपके मार्च के आखिरी सप्ताह से स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।